दोस्तों हम उस वक्त में जी रहे हैं जब हर चीज तेजी से एडवांस हो रही है। टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में हर साल बड़े बदलाव ला रहा है। जहां कुछ साल पहले तक हम कीपैड वाले फोन्स यूज करते थे, वहीं कुछ वक्त बाद हम स्क्रीन टच डिवाइसेस का इस्तेमाल करने लगे। और अब बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते हम सबके पास अपने पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट है, जो हमारी आवाज पर ही बहुत से टास्क कर लेते हैं। अब इस दौर में बेहतर वर्चुअल असिस्टेंट की तलाश हर किसी को है, फिर चाहे वो टेक कंपनीज हो, हर कोई इस बात को जानने पर तुला हुआ है कि आखिर कौन सी कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट एंड वॉइस इनपुट बेहतर काम करते हैं। और ये पता लगाने के लिए एक टेस्ट लिया गया, जिसमें गूगल असिस्टेंट सीरी और अमेज़न एलेक्सा के बीच 800 सवाल किए गए। इस टेस्ट के रिजल्ट्स आज आपको इस वीडियो में मिल ही जाएंगे, क्योंकि आज हम वर्तमान में चल रहे 3 सबसे स्ट्रॉन्ग वर्चुअल असिस्टेंट्स के बीच एक कंपैरिजन करेंगे और ये जानेंगे कि बेहतर और स्मार्ट कौन सा असिस्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर लैंग्वेजेस और टेस्ट से लेकर कंपनीज तक, आज हम इन 3 वर्चुअल असिस्टेंट से जुड़े ये सारे पॉइंट्स कंपेयर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, गूगल असिस्टेंट, सीरी और एलेक्सा ये तीनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। गूगल असिस्टेंट की शुरुआत एक गूगल मैसेजिंग ऐप एलो से हुई थी। पहले गूगल असिस्टेंट सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस में सपोर्टेड था, पर अब इसे लार्ज वैरायटी ऑफ डिवाइसेस के लिए अवेलेबल कर इसे एक स्टैंडअलोन एप्लीकेशन बना दिया गया है। गूगल ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले वक्त में गूगल असिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को तक आइडेंटिफाई कर उनकी इन्फॉर्मेशन मोबाइल कैमरा द्वारा देगी। ये प्रोडक्ट्स परचेजिंग और मनी सेंडिंग जैसे काम कर पाएगी, और यहाँ तक कि सॉन्ग्स को भी आइडेंटिफाई करेगी। गूगल असिस्टेंट 1 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेज में अवेलेबल है। वहीं सीरी भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है जो एप्पल कंपनी का हिस्सा है। सीरी का प्रोजेक्ट ऑफिशियली SRI इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ने डेवलप किया था। सीरी अपने फंक्शनिंग में एडवांस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती है। वहीं अमेज़न एलेक्सा, जो सिर्फ एलेक्सा के नाम से जानी जाती है, ये भी अब गूगल और सीरी के टक्कर की एक असिस्टेंट है। पहले एलेक्सा का इस्तेमाल अमेज़न के इको स्मार्ट स्पीकर्स में हुआ करता था। 2018 में अमेज़न ने ये अनाउंसमेंट किया कि उन्होंने 100 मिलियन से ज्यादा एलेक्सा एनेबल्ड डिवाइसेस बेचे हैं। नंबर 2, इनिशियल रिलीज। गूगल असिस्टेंट को 18 मई 2016 यानी आज से 4 साल पहले रिलीज किया गया। वहीं सीरी को 4 अक्टूबर 2011 में रिलीज किया गया, यानी आज से 9 साल पहले। वहीं एलेक्सा को 6 नवंबर 2014 में, यानी आज से तकरीबन 6 साल पहले रिलीज किया गया। यानी इनमें सबसे पहले एप्पल की सीरी आई और सबसे बाद गूगल असिस्टेंट। नंबर 3, डेवलपर्स। गूगल असिस्टेंट को गूगल ने, सीरी को एप्पल ने, और एलेक्सा को अमेज़न कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। नंबर 4, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स। गूगल असिस्टेंट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड्रॉइड, क्रोम ओएस, iOS, iPad OS, Kai OS और लिनक्स है। वहीं इसके प्लेटफॉर्म कुछ इस तरह है: एंड्रॉइड गूगल नेस्ट, वेयर OS बाय गूगल, एंड्रॉइड TV, क्रोम OS, स्मार्ट स्पीकर्स, हेडफोन्स, स्मार्ट डिस्प्लेस, गूगल एलो, iOS, iPad OS, Ubuntu और Raspberry Pi। गूगल असिस्टेंट इन सब चीजों में सपोर्टेड है। वहीं सीरी का ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 5 से शुरू, मैक OS, सीरा से TV OS के सारे वर्जन, watchOS के सारे वर्जन और iPad OS है। वहीं आईफोन, iPad, iPod Touch, Mac, Apple TV, Apple Watch और HomePod जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सीरी रिस्पॉन्ड करती है। वहीं FireOS 5.0 या इससे ऊपर, iOS 11.0 या इससे ऊपर और Android 4.4 या इससे ऊपर वाले वर्जन में Alexa ऑपरेट करती है। Amazon Echo, FireOS, iOS, Android, Cortana और Linux जैसे प्लेटफॉर्म्स में Alexa सपोर्ट करती है। नंबर 5, लैंग्वेजेस। गूगल में इंग्लिश, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, डेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, इंडोनेशियन, इटालियन, जापानीज, कनाडा, कोरियन, मलयालम, मराठी, नॉर्वेजियन, पोलिश, पोर्टुगीज, रशियन, स्पेनिश, स्वीडिश, तमिल, तेलुगु, थाई, टर्किश, उर्दू और वियतनामीज जैसी भाषाएं अवेलेबल हैं। वहीं सीरी में अरबिक, चाइनीज, कैंटोनीज, सिंप्लीफाइड चाइनीज, ट्रेडिशनल चाइनीज, डेनिश, डच, इंग्लिश, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, हेब्रू, इटालियन, चाइनीज, कोरियन, मले, नॉर्वेजियन, पोर्टुगीज, रशियन, स्पेनिश, स्वीडिश, थाई और टर्किश भाषाएं अवेलेबल हैं। सीरी में हिंदी भाषा सपोर्टेड नहीं है। वहीं एलेक्सा में इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, इटालियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज और हिंदी भाषाओं की उपलब्धि है। नंबर 6, फीचर्स एंड ऑप्शंस। गूगल असिस्टेंट आपके कमांड्स पर आपके डिवाइस को कंट्रोल करती है। कैलेंडर्स या दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जान और बता सकती है। रेस्टोरेंट बुकिंग से वेदर्स और न्यूज से म्यूजिक प्ले करना, ये सारे कामों में गूगल असिस्टेंट सक्षम है। गूगल असिस्टेंट में रिमाइंडर्स और टाइमर्स लगाए जा सकते हैं। गूगल असिस्टेंट कॉल्स लगा भी सकती है और मैसेजेस भी आपकी आवाज़ पर सेंड कर सकती है। वहीं सीरी एप्पल में म्यूजिक प्ले करने के साथ साथ स्मार्ट होम एसेसरीज को कंट्रोल करना, जनरल नॉलेज के जवाब देना
क्लॉक्स और टाइमर सेट करना, वेदर की या ट्रैफिक की इन्फॉर्मेशन लेना है। वहीं अलेक्सा भी वॉइस इंटरेक्शन कर सकती है, अलार्म्स लगा सकती है, ब्रॉडकास्ट स्ट्रीम कर सकती है, ऑडियो बुक्स प्ले करती है और वेदर, ट्रैफिक, न्यूज और स्पोर्ट्स की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन दे सकती है। अलेक्सा कुछ स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल भी कर सकती है। नंबर 7, टेस्ट रिजल्ट्स। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों वर्चुअल असिस्टेंट्स का टेस्ट लिया गया था, जिसमें इनसे 800 अलग अलग क्वेश्चंस किए गए थे। ये क्वेश्चन ज्यादातर वही सवाल थे जिन्हें हम अक्सर पूछ सकते हैं, जैसे वेयर इज द नियरेस्ट कॉफी शॉप। ये स्मार्टफोन IQ क्वेश्चंस के रिजल्ट कुछ इस तरह थे। सवालों के जवाब के बाद गूगल ने 92% सवालों के सही जवाब दिए, सीरी ने 83.1% सही जवाब दिए और एलेक्सा ने 79.8% करेक्ट आंसर्स दिए। गूगल इन तीनों में बेस्ट परफॉर्मर निकला। एलेक्सा एंड असिस्टेंट्स के बीच फीकी पड़ गई, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन और इसे पूरी तरह एक बड़े सिस्टम की तरह नहीं तैयार किया गया था, जैसे गूगल और सीरी को किया गया। फोन रिलेटेड कमांड्स को सीरी ज्यादातर बेहतर तरीके से कर सकती है, जैसे कॉल्स लगाना, ईमेल सेंड करना, टेक्स्ट करना, कैलेंडर्स और म्यूजिक के कामों में सीरी गूगल से आगे थी। वही कुछ एलेक्सा डिवाइसेस ईमेल्स और टेक्स्ट नहीं भेज पा रहे थे, यानी एप्लीकेशंस इन दोनों सिस्टम के आगे कमजोर पड़ गया। चलिए अब मैं इनकी कंपनीज और डेवलपर्स के बारे में आपको थोड़ा ज्ञान दे दूं। गूगल, एप्पल और अमेज़न तीनों ही अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और तीनों कंपनीज USA की 5 सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज में से एक हैं। गूगल की शुरुआत 1998, एप्पल की 1976 और अमेज़न की 1994 में हुई थी। अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो गूगल में 1 लाख, एप्पल में 1,37,000 और अमेज़न में 12,25,300 एम्प्लॉयज मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको इन सब में से बेहतर आवाज़ किसका लगा, गूगल असिस्टेंट, सीरी या फिर अलेक्सा? अपने जवाब कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।